तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार। आप देख रहे हैं मारुति जिमनी। इससे पहले मैंने ये ऑटो एक्सपो 2023 में भी कवर करा था। वही कलर है जो आपने ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया हुआ था। उन्होंने कलर काइनेटिक येलो कलर है ये। रूफ इसकी आपको ब्लूइश ब्लैक देखने के लिए मिलेगी, डुअल टोन में रूफ इसकी ब्लूइश ब्लैक है। बाकी जो बॉडी कलर है वो काइनेटिक येलो है। अलॉय व्हील्स वगैरह देख सकते हैं, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी इसका डायमेंशन मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, जो भी गाड़ी का डायमेंशन रहने वाला है, जो व्हील बेस वगैरह, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह सारी मैं डिस्प्ले पे मेंशन कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस मैं इसका बता चुका आपको, 210 mm का हमें देखने के लिए मिल जाता है। कुछ ऐसा साइड लुक मिल जाता है। बाकी अलॉयज देख सकते हैं आप, फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम है, वहीं कुछ इस तरह से रेयर लुक मिल जाता है गाड़ी का। जो स्पेयर व्हील है ये भी आपको अलॉय ही देखने के लिए मिलेगा, बट कवर किया हुआ है। पूरी गाड़ी कवर करेंगे, बट थोड़ा सा पहले आपको एक वॉक अराउंड दे दूँ गाड़ी का चारों तरफ से, कि गाड़ी कैसी लग रही है देखने में। क्योंकि कुल के शोरूम पे तो पहली बार आई है गाड़ी, ऑटो एक्सपो में तो पता आपको कितना रस रहता था, वहाँ ढंग से कवर नहीं कर पाए। बाकी रिक्वायरमेंट सर आपको को ड्राइवर साइड भी मिल जाता है। अब स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फ्रंट से, पूरा गाड़ी आप एक बार वॉक अराउंड देना था, दिखा दिया मैंने। अब स्टार्ट करके देंगे गाड़ी के फ्रंट से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये थार की कंपीटिटर है, भाई थार और ये दोनों एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है। थार अलग सेगमेंट की गाड़ी है और जिमनी अलग सेगमेंट की। इनको कहीं आपस में कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। फाइव डोर है वो आपको टू डोर मिलती है, तो वहीं थार और जिमनी को हम साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। स्टार्ट करेंगे इसके विंडशील्ड से, तो प्लेन विंडशील्ड मिल जाती है, टू वाइपर विथ टू वॉशर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, टू कर्व लाइन के साथ काफ़ी अच्छा बोनट व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह से रेडिएटर ग्रिल मिलेगी जो कि ग्लोसी ग्रे और इंसर्ट आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगा, और अंदर मैट ब्लैक भी कहीं ना कहीं इसमें ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पर सुजुकी का लोगो। कुछ इस तरह से आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे, ये आपका DRL जला हुआ है प्रोजेक्टर बेस, इसमें LED हेडलैम्प मिलेगा आपको लो बीम हाई बीम के लिए। यहाँ पे इंडिकेटर, ये आपका फॉग लैम्प मिलेगा। यहाँ पे आपको वॉशर्स मिल जाते हैं, ब्लैक बम्पर मिलेगा, बम्पर का लोअर पार्ट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा, और दोनों साइड ही आपको वॉशर मिलेगा हेडलैम्प वॉश करने के लिए। यहाँ से गाड़ी का पूरा फ्रंट देख सकते हैं आप, कि गाड़ी कैसी लग रही है देखिए। मैं एक बार थोड़ा दूर से भी दिखा देता हूँ आपको, जो बम्पर भी है वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसका बम्पर डिज़ाइन किया गया, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है गाड़ी का, क्योंकि बॉक्सी लुक है ना। कि इंजन तो बता चुका मैं आपको, इसमें 1.5 लीटर का टर्बो जाता है टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ। अब आ जाएंगे गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ फेंडर पे आपको क्लैडिंग का पार्ट देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी चौड़ा क्लैडिंग का पार्ट है जो कि इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर, कुछ इस तरह के अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे, 15-inch अलॉयज है इसमें, ग्लोसी ग्रे में मिलेंगे आपको, 195/80/15 का टायर साइज मिलेगा, फ्रंट डिस्क रेयर ड्रम मिलेंगे, क्लैडिंग का पार्ट आपको रनिंग बोर्ड पे भी देखने के लिए मिलेगा, ORBM आपको ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टर मिलेंगे, बट इसमें इंडिकेटर आपको यहाँ मिलेगा, ये ग्लोसी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ए पिलर आपका सेम बॉडी कलर मिलेगा, रूफ इसकी ग्लोसी ब्लैक देखने के लिए मिलेगी आपको, ब्लूइश ब्लैक। बी पिलर वगैरह सारे सेम आपको जो बॉडी कलर है उसी में देखने के लिए मिलेंगे। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा और चाबी की जगह भी। वहीं पीछे आएंगे तो जैसा बताया मैंने, जो डोर हैंडल्स हैं सेम बॉडी कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। पीछे क्वार्टर पैनल पे आपको एक ग्लास मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको और इनहेंस कर रहा है गाड़ी के लुक को। रेल लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर एंटीना मिल जाएगा, ब्लूज ब्लैक रूफ मिलेगी, यहाँ पे वॉशर, हाई मोटर स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, यहाँ पे वाइपर, स्पेयर व्हील सेम साइज़ का मिलेगा, और अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेयर व्हील में भी। यहाँ पे नेक्सा की मार्किंग, ये कवर है अंदर, इसके अंदर आपको सेम बॉडी कलर मिलेगा दोनों जगह देखने के लिए। ऑल ग्रिप की मार्किंग, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। यहाँ पे जिमनी की मार्किंग, पीछे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड भी, और जो टेल लैम्प्स हैं वो आपको हाइड्रोजन बेस मिलेंगे, इंडिकेटर है आपका बैक लाइट, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट पाइप। यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करके ड्राइवर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो पूरा ही ब्लैक में इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। जो इंटीरियर है वो पूरा ही ब्लैक थीम पे है, जो इसके डैशबोर्ड वगैरह है। हम स्टार्ट करेंगे ड्राइवर डोर पैनल से, यहाँ पे आपको कोई ट्विटर वगैरह नहीं मिलता, डोर ओपनर गन, इसमें लॉक अनलॉक का बटन, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा पेपर वगैरह करने के लिए, वाटर बॉटल स्पेस नहीं है। जब कुछ इस तरह की सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, बट कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ देखने के लिए। यहाँ पे दो पैनल मिल जाएंगे आपका, ब्रेक और एक्सीलेटर, एक डेड पैनल मिल जाएगा। यहाँ ORBM कंट्रोल यूनिट, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, सराउंडिंग आपको गार्निशिंग मिलेगी। यहाँ पे आपका हेडलाइट हाइट एडजस्ट के लिए, ये आपका हेडलैम्प्स वॉश करने के लिए, आपका आइडल ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पे आपका AC वेंट ये राउंड में मिलेगा, और सराउंडिंग आपको ग्रोसी ग्रे का ट्रीटमेंट मिलेगा। इस तरह से स्टीयरिंग मिलेगा, बट उससे पहले सीट बता दूँ, सीट सही है, फॉर्मिंग वगैरह सीट पे अच्छी करी गई है,
कंफर्ट लग रही है सीट्स, कुछ इस तरह से लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जाएगा और राउंड में पूरा स्टीयरिंग है, थ्री स्पोक स्टीयरिंग मिलेगा हमें। यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कंट्रोल, बट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। यहाँ आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल यूनिट मिल जाएगी पूरी, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ मिल जाएगा फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे आपका ऑटो हेडलैम्प के बटन्स मिल जाएंगे, कंट्रोल मिल जाएगी, यहाँ पे मैनुअल वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीड मीटर एनालॉग में, आरपीएम एनालॉग में, बीच में एक एमआईडी मिल जाएगी। सुबह से कस्टमर्स आ रहे हैं, बैटरी बार बार ऑन होकर लो हो चुकी है, इस वजह से मैं इसे ऑन नहीं कर पा रहा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। बाकी एनालॉग में मिलेंगे दोनों मीटर, देख लेंगे स्पीड मीटर भी और आपका आरपीएम भी। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है काफी अच्छा देखने के लिए, पॉप अप डिस्प्ले मिल जाती है इसमें 10 इंच की। यहाँ इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह का फीचर मिल जाते हैं, वायरलेस सुजुकी ऑटो कनेक्ट वाला फीचर भी मिल जाता है, सुजुकी ऑटो कनेक्ट प्रो वाला फीचर भी इसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप अपना फ़ोन में सारा गाड़ी की कनेक्टिविटी देख सकते हैं, स्टार्ट बंद भी कर सकते हैं, वहीं गाड़ी कहाँ है आपका, वो जीपीएस वगैरह भी आप सारा मोबाइल पर देख सकते हैं। यहाँ पे दो एसी वेंट सराउंडिंग आपको सिल्वर मिलेगा, गार्निश देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी यूनिट, ये जो एसी के हैं ये आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा आपको। अच्छा, काफ़ी देर से ना एक चीज़ मिस कर रहा था मैं कि ये विंडोज़ अप डाउन करने के लिए ग्लास कहाँ है, बटन्स कहाँ हैं ग्लास के, तो ये बटन्स आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे विंडो अप डाउन करने के लिए। ये को ड्राइवर साइड का, ये ड्राइवर साइड का ऑटो अप डाउन मिलेगा आपको, वन टच अप वन टच डाउन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा इस जगह पे, एक यूएसबी पोर्ट, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह का नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा आपको देखने के लिए। ऑटो ट्रांसमिशन में यहाँ आपको ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा, ये गियर कंसोल है, यहाँ शिफ्ट लॉक का बटन मिल जाएगा, यहाँ आपको गियर लीवर मिल जाएगा 2 हाई 4 हाई और 4 लो के लिए, ये प्रेस करके आपको लगाना होगा। मैनुअल हैंड ब्रेक्स, पीछे विंडोज के लिए कंट्रोल यहाँ मिलेंगे, अप डाउन करने के लिए चाइल्ड लॉक का बटन। यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स मिलेगा, ग्लोव बॉक्स में भी थोड़ा स्पेस मिलेगा, एक ग्रैब हैंडल यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। ऊपर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेंगे, येलो रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे माइक प्लेसमेंट, इस साइड आपको वेंटीमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में देखने के लिए, और इस साइड आपको ड्राइवर साइड भी वेंटीमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में देखने के लिए। तो कुछ इस तरह से ड्राइवर फ्रंट देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे, यहाँ जैसे पैसेंजर डोर ओपन करते हैं हम, तो वही पूरा ब्लैक में आपको थीम मिलेगी, डोर ओपनर गार्निश में, लॉक अनलॉक का बटन, डोर एक्सेस हैंडल, ये पैसेंजर में आर्मरेस्ट, ये यहाँ पे स्पीकर, कुछ एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ इस तरह की सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, दोनों में अलग हैं, दोनों का आप अलग अलग फोल्ड कर सकते हैं। एक बार इंटीरियर कर लेते हैं भाई गाड़ी में, तो लेग स्पेस वगैरह, तो लेग रूम तो अभी ठीक लग रहा है, बाकी फोर पैसेंजर ही बोल सकते हैं कि मतलब फोर पैसेंजर, चार लोगों के लिए गाड़ी कम्फर्ट है। यहाँ पर टू कप होल्डर्स, यहाँ जैसे ही इसका बूट गेट ओपन करते हैं हम, तो यहाँ आपको 208 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, और अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो ये 332 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल आपको 208 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे लाइट मिल जाएगी बूट में, एक इन्फ्लेटर के लिए 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पे ये ट्रे लगी हुई है, स्पेयर व्हील नीचे है, यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, स्पेयर व्हील पीछे है, मैं नीचे बोल गया, यहाँ पे टूल्स, स्पेयर व्हील में आपको दिखा चुका है, और कुछ इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, 208 लीटर का बूट स्पेस, अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं यही आपका 332 लीटर में एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे ही बोनट ओपन करेंगे, इंसुलेशन पैडिंग तो वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेगी, काफ़ी रिफाइंड इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन मारुति के जो होते हैं, कुछ इस तरह का 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन हमें देखने के लिए मिलेगा इसमें, टॉर्क कन्वर्टर इसमें, गियर ट्रांसमिशन मिलेगा आपको, 102 bhp और 138 nm का टॉर्क जनरेट करता है ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो ये था भाई मारुति सुजुकी जिम्नी का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशन, गाड़ी कैसी लगे हमें बताएं, वीडियो कैसी लगे हमें बताएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।